हे गाइस वेलकम बैक टू द द वीडियो ऑन चैनल एंड आज बात करेंगे वीक सिक्स के विनर्स के बारे में जिनका नाम है टीम पाई एंड ये टीम आज गाइस कैसी खेली है वो मैं तुम्हें थोड़ी सी देर में दिखाने वाला हूँ ईगल कितना प्यारा खेला आज बट नोवा के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि नोवा ने स्टार्ट तो इस वीक का बहुत गजब करा था बट उसके बाद कंप्लीट चौक नोवा ने कर दिया एंड टीम पाई ने लास्ट के दो डेज में जितने पॉइंट्स निकाले वो बहुत बढ़िया खेले एंड अभी कुछ ओवरऑल तो स्टैंडिंग्स के बारे में बात करते हैं टीम पाई का अगर तुम देखोगे दो मैच फर्स्ट मैच एंड फोर्थ मैच खराब गया कि हर मैच में हैस्टिक वन हैस्टिक टू हैस्टिक टू ऐसे आए ऊपर से देखोगे ना सेकंड सेकंड या थर्ड आए थे बट ईगल यहां पर बहुत कमाल करके जाता है हर मैच में ईगल मोस्ट ऑफ तो द मैच में आज के डे पे जैसे फर्स्ट डे पे ऑर्डर रहा था वैसे ये बंदा एमबीबी एमबीबी बनता जाता है उसके बाद इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे निकाले ना इवन एक क्लच की बात करूं मैं तो गाइज एक क्लच यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैच में भी था तो यहां पे भी इसने सूखी को मारा एंड आफ्टर दैट वन यूमन ये भी निकाल लेता बट दूसरी साइड से टीजे बी के प्लेयर्स ने टीजे बी के प्लेयर ने इसको स्टन कर दिया सो so जब तुम स्टन हो जाते हो यू कैन नॉट डू एनी थिंग मुझे स्टन होने से बचना होता है तो यहां पे ये हार जाता है बल्कि इस मैच की स्टार्टिंग में इसने वन वी थ्री करा था आई थिंक फोर एम पॉइंट सिक्स पॉइंट उस फाइट में मिले थे तो टोटल एट पॉइंट मिले थे सो so गाइज ऐसे ऐसे करते करते ना फोरे आई मीन नोवा एंड पाई का जो लीड था वो बहुत बढ़ता जा रहा था बट इस

एंड इसके बाद ये जश्न तो बनता है जैसे सेलिब्रेशन था ये मैच का या चिकन डिनर का सेलिब्रेशन नहीं था ये विक्ट्री का सेलिब्रेशन था इनको बताया था कि अब ये इतना आगे न पहुंच चुके हैं नोवा के कि नोवा इनको डिफीट नहीं कर पाएगी लास्ट मैच में चलिए लास्ट मैच में गई अगर तुम तो फाइट्स की बात करूँ बहुत कॉन्फिडेंस के या फाइट ले रहे थे एंड इगल इगल एंड ऑल जितने भी लोग इनके सारे सभी के सभी मैचेज में बहुत अच्छा खेले लास्ट मैच में भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिख रहा था एंड इससे पहले इतने कॉन्फिडेंट होकर खेल रहे थे कि मुझे समझ आ गया था कि भाई अभी ये जीतने वाले हैं एंड इवन जो लास्ट मैच तुम्हें मैंने दिखाया